हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर करेंगे जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी का चैप्टर। देखिए, ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड ये चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, जितनी भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, जितनी भी चीज़ हम अपने एटमोसफेयर अपने सराउंडिंग्स देखते हैं, वो हम देखते हैं एनिमल्स के रूप में या प्लांट्स के रूप में, मतलब सिंपली लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स के हम लोग इस रूम में देखते हैं। तो हम नेचुरली मतलब लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या होता है? नेचुरल तो पता है जो नेचुरल है, नेचुरली है। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स। वेजिटेशन प्लांट्स से रेफर करता है, वेजिटेशन रेफर टू अ प्लांट्स। इसका मतलब प्लांट एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली कहीं पर भी ग्रो, किसी भी रीजन में ग्रो कर सकती है। इट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट लाइफ दैट इज़ फाउंड ग्रोइंग नेचुरली इन एनी रीजन। लेकिन जब प्लांट ये ग्रो कहीं पर भी नेचुरली ग्रो कर सकते हैं, ये अपने आप को किसी भी क्लाइमेट पर कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी क्लाइमेट पर ये अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों हमारे लिए, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। वेजिटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये प्लांट है। एंड वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये एनिमल से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड। तो ये हमारी लाइफ में कोई ना कोई वाइटल रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण हमारे लिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Natural vegetation refers to a plant life that is found growing naturally in any region, controlled by the climatic condition of the region. मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि जो natural vegetation है वो plant life से refer करता है। क्या करता है? Natural vegetation refers to a plant life। इसका मतलब plant एक ऐसी चीज़ है वो कहीं पर भी अपने आप को naturally grow कर सकती है, किसी भी region में, और वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती है कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो उस एरिया में। अब वो दोनों नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती हैं। नाउ अब हम आते हैं कुछ मेन टाइप्स के वेजिटेशन। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी टाइप्स के वेजिटेशन, मतलब काफ़ी टाइप फॉरेस्ट प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं। अब उनको हम डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस कम टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। तो हम सबसे पहले फॉरेस्ट के जो बारे में बात करेंगे, वो फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये पहला फॉरेस्ट है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एरिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है? ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक ऐसे टाइप के एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ही गर्मीली जगह, हॉट, और जहाँ पे टेम्परेचर वेट होता है, उस इक्वेटोरियल रीजन में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि तुम्हें बताया कि हॉट एरिया में ऐसे टाइप के फॉरेस्ट, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जिसके कारण वे डेंस फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें अंडरग्रोथ होता है, किस क्रीपर्स और वाइन्स का वहाँ पे अंडरग्रोथ होता है। द कॉमन ट्रीज जो वहाँ पर पाए जाते हैं वो हार्डवुड टाइप्स के ट्रीज वहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से टाइप के? हार्डवुड ट्रीज, हार्डवुड टाइप्स के ट्रीज वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कि महोगनी, एबोनी, रबर एंड चिकोना। देखिए, एबोनी, रबर, महोगनी, ये तो एग्जांपल है, लेकिन ये जो एक एग्जांपल है चिकोना, ये एक ऐसे टाइप का एग्जांपल है जो एंटी मटेरियल बनाने में काम आता है, फ्रॉम विच द एंटी मटेरियल ड्रग क्विनाइन इज मेड। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि ड्रग क्विनाइन। अब हम आते हैं उनकी जो
मेजर एरियाज हैं कहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है अमेज़न बेसिन में, ज़ायरे बेसिन में और मलेशिया में पाया जाता है। अब हम आते हैं वहाँ के एनिमल्स पर, वहाँ के वाइल्ड लाइफ पर। किस पे? वाइल्ड लाइफ पर। वाइल्ड लाइफ जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पर अपना हैबिटेट बनाते हैं। तो वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पर काफ़ी लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स और वर्ल्ड्स वहाँ पे अपना नेचुरल हैबिटेट बनाते हैं इस फॉरेस्ट में। देखिए इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजीज एंड पाइथन, एनाकोंडा, ये हिप्पोपोटामस, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है यहाँ पर जो एनिमल्स अपना हैबिटेट बनाते हैं। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का फॉरेस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।